वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसन जीके और उसमें हमारा इंडियन पॉलिटी का पार्ट चल रहा है और हमारा आज का टॉपिक है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लास्ट लेक्चर में भी हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करा था, लास्ट लेक्चर में हमने करा था प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशंस, और आज के लेक्चर में हम करेंगे प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट कैसे होती है और उसका प्रोसीजर क्या है, वैकेंसी अगर इन केस प्रेसिडेंट की सीट वेकेंट होती है तो उसको कैसे फिल किया जाता है, एंड कुछ इमोल्यूमेंट्स क्या होते हैं प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, जो अभी रिवाइज हुए हैं रिसेंटली 2018-19 के बजट में। राइट, तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नाउ लेट्स स्टार्ट विद इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अब जो इम्पीचमेंट का प्रोसीजर होता है प्रेसिडेंट का, वो किसी भी हाउस में शुरू किया जा सकता है। और इम्पीचमेंट हम किस बेसिस पे करते हैं प्रेसिडेंट की, कौन से चार्जेस लगाए जाते हैं, वो होता है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि प्रेसिडेंट को किस बेसिस पे इम्पीच किया जाता है। ठीक है, तो एक ही चीज़ मेंशन है आर्टिकल 61 में, वो है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो उस बेसिस पे प्रेसिडेंट के अगेंस्ट हम इम्पीचमेंट प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जब हमने इम्पीचमेंट प्रोसीजर स्टार्ट करना होता है तो उससे पहले प्रेसिडेंट को 14 डेज का प्रायर नोटिस रिटर्न में दिया जाता है। ठीक है, और उसके लिए जिस भी हाउस में इम्पीचमेंट का प्रोसीजर शुरू होता है उस हाउस के 1/4 मेंबर्स उस पर साइन करते हैं। ठीक है, टोटल मेंबर्स के जो 1/4 है वो उस नोटिस पे साइन करते हैं और 14 डेज प्रायर नोटिस प्रेसिडेंट को दिया जाता है इम्पीचमेंट का। ठीक है, और उसके बाद जिस हाउस में हमने प्रोसीजर स्टार्ट किया है उसी हाउस में अगर जो भी प्रेसिडेंट के अगेंस्ट चार्जेस लगे हैं उस पर इन्वेस्टिगेशन होएगी और उस हाउस के टोटल मेंबर्स के 2/3 मेंबर्स अगर उस पर साइन कर देते हैं और बोल देते हैं कि हाँ इस बेसिस पे प्रेसिडेंट ने वायलेशन किया है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो जो बिल है उसका, जो प्रोसीजर रेजोल्यूशन है, वो दूसरे हाउस में चला जाता है। ठीक है, और सेम दूसरे हाउस में जाके भी सेम इन्वेस्टिगेशन होती है जो पहले हाउस में हुई है, वही दोबारा इन्वेस्टिगेशन दूसरे हाउस में होगी। प्रेसिडेंट के अगेंस्ट जो भी चार्जेस लगे हैं उनको दोबारा से इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। ठीक है, और इन सारी इन्वेस्टिगेशन में प्रेसिडेंट के पास ये राइट होता है कि वो इस इन्वेस्टिगेशन को रिप्रेजेंट भी कर सकता है और इस इन्वेस्टिगेशन में अपीयर भी हो सकता है। राइट, अगर दूसरे हाउस में भी टोटल मेंबरशिप के 2/3 मेंबर्स उस पे साइन कर देते हैं तो प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट अपने ऑफिस से रिमूव हो जाएगा। ये सारे का सारा प्रोसीजर आर्टिकल 61 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो होता है, अब थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन देख लेते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। जो प्रेसिडेंट होता है वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता। ठीक है, तो प्रेसिडेंट है क्या फिर? अब प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का, ना तो प्रेसिडेंट लोकसभा का मेंबर है ना ही प्रेसिडेंट राज्यसभा का मेंबर है, तो प्रेसिडेंट क्या है? प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का एक पार्ट है। ठीक है, प्रेसिडेंट क्या है? पार्लियामेंट का एक पार्ट है। जैसे कि पार्लियामेंट के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स है। ठीक है, कभी भी ये नहीं बोलना कि पार्लियामेंट के 2 पार्ट्स होते हैं, पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स है होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक तो हो गया प्रेसिडेंट, एक हो गया राज्यसभा और एक हो गया लोकसभा। ठीक है, तो प्रेसिडेंट क्या है? प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, ना ही वो किसी स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर होता है। तो प्रेसिडेंट क्या है? पार्लियामेंट का एक पार्ट है। ठीक है, अगर किसी भी हाउस का मेंबर चाहे पार्लियामेंट का, ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर चाहे प्रेसिडेंट बनना, तो वो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। ठीक है, या किसी स्टेट लेजिस्लेचर का, ठीक है, कोई एमएलए चाहे तो वो भी प्रेसिडेंट इलेक्ट हो सकता है। ठीक है, बट उसके लिए शर्त क्या होती है कि जब वो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट हो गया, सपोज कोई पर्सन है वो पहले एमपी रह चुका है, ठीक है, किसी का भी, जहाँ राज्यसभा का मेंबर मान लो या लोकसभा का मेंबर है, ठीक है, जब प्रेसिडेंट की इलेक्शन शुरू हुई, ठीक है, वो प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हो गया और वो जीत भी गया, प्रेसिडेंट बन गया, तो उसी टाइम पे उसको अपनी जो पुरानी सीट एमपी की सीट है ना, तो उसको अपनी एमपी की सीट खाली करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है उसके पास कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये क्या है? कंडीशंस है प्रेसिडेंट बनने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है वैकेंसी। ठीक है, अब कौन कौन से केसेस में प्रेसिडेंट की सीट वेकेंट हो सकती है? ठीक है, फर्स्ट क्या है? ऑन द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल पूरे हो गए तो उसकी सीट खाली हो जाएगी अपने आप ही। ठीक है, बाय हिज डेथ। ठीक है, सपोज
कोई भी जो प्रेसिडेंट है, एक्टिंग प्रेसिडेंट है, ठीक है, उसकी डेथ होगी तब भी सीट खाली हो जाएगी। थर्ड क्या है, बाय हिज रेजिग्नेशन, सपोज प्रेसिडेंट ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है, प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन अपना किसको देता है, वाइस प्रेसिडेंट को देता है, लास्ट लेक्चर में भी हमने ये पढ़ा था। ऑन हिज रिमूवल बाय इम्पीचमेंट, ठीक है, इन केस इम्पीचमेंट हो गया तो भी वैकेंसी खाली हो जाएगी, या क्या हो सकता है, अदरवाइज फॉर एग्जाम्पल ऑन द सेटिंग साइड ऑफ हिज इलेक्शन एज ए प्रेसिडेंट, इन केस इलेक्शन थोड़ी आगे पीछे हो गई कुछ रीजंस की वजह से, कोई इमरजेंसी लग गई या कुछ और हो गया, या जैसे कोरोना आ गया, या कुछ भी रीजन हो सकता है कि प्रेसिडेंट की इलेक्शन लेट हो गई, ठीक है, तो उन सारे केसेस में क्या है, प्रेसिडेंट की सीट क्या है, वेकेंट हो जाएगी, ठीक है। एंड इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म, ठीक है। अब देखो, ऑन फर्स्ट हमने पढ़ा था ना ऑन द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, ठीक है, अब जो फ्रेश इलेक्शन है ना वो उसकी जो 5 साल की टर्म है उससे पहले फ्रेश इलेक्शन हो जाते हैं नॉर्मल केसेस में, ठीक है, तो ये वाला तो कैसे फिल होएगी प्रेसिडेंट की पोस्ट, तो फ्रेश इलेक्शन जो है ना वो 5 साल से पहले ही हो जाते हैं, ठीक है, जब उसकी टर्म एक्सपायर होती है तो साथ ही साथ जो नया प्रेसिडेंट है वो ओथ लेके अपनी सीट संभाल लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द आउटगोइंग प्रेसिडेंट कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस नॉट विदस्टैंडिंग दैट हिज टर्म हैज एक्सपायर्ड अंटिल हिज सक्सेसर एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, इन केस इलेक्शंस 2-4 दिन या 10-15 दिन भी लेट होते हैं तो जो एक्टिंग प्रेजिडेंट है ना अभी के लिए, ठीक है, वही वो 10-15 दिन के लिए भी अपनी पोस्ट पे रहेगा, ठीक है। कौन से आर्टिकल में लिखा है, 56 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी में लिखा हुआ है, ठीक है। देर इज नो स्कोप फॉर द वाइस प्रेसिडेंट गेटिंग ए चांस टू एक्ट एज अ प्रेसिडेंट इन दिस केस, ठीक है, इन केस इलेक्शंस 10-15 दिन के लिए या कुछ टाइम के लिए, हफ्ता 10 दिन के लिए लेट होते हैं तो उस केस में वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट एक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट है, जो उस टाइम पे प्रेसिडेंट है, 10-15 दिन के लिए वही बंदा प्रेसिडेंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द वैकेंसी अराइजेस अदर देन बाय एक्सपायरी ऑफ द टर्म, ठीक है, अभी तक तो हमने पढ़ा है ना कि टर्म की एक्सपायरी हो गई, अगर इसकी बजाय किसी और रीजन से इस प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली होती है तो उसकी पोस्ट कैसे फिल करेंगे, विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर फ्रेश इलेक्शंस कराए जाएंगे और प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है उसको फिल किया जाएगा, ठीक है, प्रेसिडेंट की वैकेंसी को फिल करने के लिए 6 महीने के अंदर अंदर फ्रेश इलेक्शंस किए जाएंगे। कौन कौन से रीजन हो जा सकते हैं उसके लिए, ठीक है, डेथ का हो सकता है, रेजिग्नेशन का हो सकता है और इम्पीचमेंट का भी हो सकता है, ठीक है। इन तीनों केसेस में क्या होगा, 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शंस होंगे और पोस्ट फिल होएगी, ठीक है। इन इफ अ मिड टर्म वैकेंसी अराइजेस इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट अंटिल अ न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, ठीक है, इन केस, ठीक है, इन तीनों में से कोई भी रीजन की वजह से वैकेंसी खाली होती है तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेगा एज ए प्रेसिडेंट जब तक कि इलेक्शंस हो के प्रेसिडेंट नया नहीं बनता, ठीक है। अब इसमें और केसेस भी आ जाते हैं, ठीक है, सपोज प्रेसिडेंट अपनी पोस्ट पे नहीं है तो डेथ होगी, रेजिग्नेशन, इम्पीचमेंट, कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेगा एज ए प्रेसिडेंट, ठीक है। अब इन केस वाइस प्रेसिडेंट भी उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं है, कहीं गया हुआ है, तो उस टाइम पे कौन एक्ट करेगा एज अ प्रेजिडेंट, तो कौन हो सकता है, वो है हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ही विल एक्ट एज अ प्रेजिडेंट, ठीक है, उस केस में चीफ जस्टिस। इन केस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी प्रेजेंट नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट का, वो एक्ट करेगा एज अ प्रेजिडेंट, ठीक है। तो प्रेजिडेंट की अगर पोस्ट खाली होती है इनमें से किसी भी रीजन से, डेथ है, रेजिग्नेशन है, इम्पीचमेंट है, या सपोज इन केस प्रेसिडेंट कहीं छुट्टी पे गया हुआ है 6 महीने के लिए या 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, तो तब तक के लिए जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है वो वाइस प्रेसिडेंट संभालेगा, ठीक है। तो उतने टाइम के लिए वाइस प्रेसिडेंट को जो सैलरी है वो प्रेसिडेंट की ही मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंक्रीज इन द इमोल्यूमेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, ठीक है। जो 2018-19 का बजट था उसमें थोड़ी सैलरी जो थी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर की, उसकी रिवीजन हुई थी, ठीक है। तो उस टाइम पे अब प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी हो गई, 5 लाख, और वाइस प्रेसिडेंट की 4 लाख, और गवर्नर की हो गई 3.5 लाख, ठीक है। पहले ये सारे इमोल्यूमेंट्स 2006 में रिवाइज हुए थे, 2006 के बाद अब रिवाइज हुए 2018-19 के बजट में, इनकी सैलरी थोड़ी इंक्रीज हुई है, ठीक है। अब अगर हम बात करें एमपी की,
ठीक है, के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को क्या इमोल्यूमेंट्स मिलते हैं, ठीक है। तो उसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने इसकी सैलरी और जो भी अलाउंसेस मिलते हैं उनको रीफिक्स किया है 1 अप्रैल 2018 से, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, फाइनेंस मिनिस्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो इसके हमारे एमपी है, ठीक है, एमपी के जो इमोल्यूमेंट्स है वो हर 5 साल के बाद रिवाइज होंगे अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन, ठीक है। जो एमपी को जितने भी इमोल्यूमेंट्स मिलते हैं वो 5 साल के बाद रिवाइज होंगे अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन, राइट। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम करेंगे पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।